नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 11 सितंबर 2017 इस तारीख को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली एक युवती ने फलाहारी बाबा पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फलाहारी बाबा को आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। फलाहारी बाबा रामानुज संप्रदाय से आता है। इसका पूरा नाम रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी है। 1988 से यह अलवर में ही रहता है और यहाँ पे आश्रम चलाता था। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी कि यह है कौन। कौशाम्बी का शिव पूजन मिश्रा फलाहारी बाबा बन गया। कैसे? 1947 में कौशाम्बी के डकशरीरा गांव में इसका जन्म हुआ। 4 भाई बहन है, 1 बड़ी बहन है और 2 छोटे भाई। शिव पूजन मिश्रा ने 12वीं पास की। इसके बाद घर वालों ने इसकी शादी करवा दी। 12वीं पास करने के बाद में इलाहाबाद से इसने ITI डिप्लोमा किया। इसके बाद में पढ़ाई छोड़ दी। बताया जाता है कि तब से ही धर्म कर्म के मामलों में इसका ज़्यादा मन लगता था। एक दिन अचानक बिना बताए शिव पूजन अपने घर से निकल गया। घर वालों ने तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ सालों के बाद में उसके गाँव के कुछ लोग इलाहाबाद के अर्धकुंभ में स्नान करने गए थे। वहाँ उन्हें शिव पूजन मिला, लेकिन वो शिव पूजन नहीं, एक बाबा बन चुका था। शिव पूजन ने अपने गांव वालों को पहचानने तक से इनकार कर दिया और अपना नाम फलाहारी बताया। गांव वालों को कह दिया कि घर गांव इन सबसे उसका कोई लेना देना नहीं है। यह फलाहारी अपने भक्तों को माँ बाप की सेवा करने का पाठ पढ़ाया करता है, लेकिन अपने माता पिता की मृत्यु होने तक पर वो घर वापस नहीं गया। फलाहारी का छोटा भाई राजनारायण मिश्रा आज भी गांव में रहता है और खेती करता है, और सबसे छोटा भाई धराचार्य ब्रह्मचारी शर्फी भवन नाम के आश्रम है अयोध्या में, उसका उत्तराधिकारी है। इसका एक भांजा भी है सुदर्शनाचार्य, जो इसके अलवर के आश्रम का काम देखता है। फलाहारी बाबा की एक बेटी भी है। इस बेटी की शादी भी फलाहारी ने खुद ही करवाई थी। रेप केस से पहले तक लोग उसे सन्यासी समझते थे। ये केस लगने के बाद में जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ये ब्रह्मचारी नहीं, पहले से शादीशुदा है। अब आपको बताते हैं कि अलवर में इसने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। 1988 में फलाहारी इलाहाबाद से अलवर आ गया। अलवर में एक धर्मशाला है, नारायणी धर्मशाला, वहाँ पर वो रहने लग गया। इलाहाबाद में रहकर उसने धर्म ग्रंथों की पढ़ाई की थी, इसलिए संस्कृत और वेदों का ज्ञान हो गया। यहाँ पर आकर उसने लोगों को संस्कृत के श्लोक वगैरह सुनाने शुरू कर दिए। लोग उसे कथावाचक मानने लगे। वो खाने में बस फल खाता था और गंगा जल पीता था। जल्दी ही वो अलवर में फेमस होने लग गया। अब फेमस हुआ तो पैसा भी आने लग गया। ऐसे में उसने धर्मशाला से निकलकर अलवर के काला कुआ एरिया में अपना डेरा जमा लिया। एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा वेंकटेश दिव्य बालाजी धाम। इस बालाजी धाम में देखते ही देखते वो बाबा से करोड़पति बाबा बन गया। यहाँ पे एक गौशाला भी खोल ली। फलाहारी दिखाने के लिए आने वाली महिलाओं को छूता तक नहीं था। वो महिलाओं को बस लकड़ी से ही टच करके आशीर्वाद देता था। ऐसे में इस बाबा के भक्त जो थे उसे भगवान का रूप मानने लगे। इसी बीच उसके संबंध नेताओं से भी बन गए। जब फलाहारी गिरफ्तार हुआ तो जैसा सोशल मीडिया पर अक्सर होता है, उसके कई सारे नेताओं के साथ फोटो आई। इनमें PM नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि फलाहारी का छत्तीसगढ़ कनेक्शन क्या है। फलाहारी का एक आश्रम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास में पेंड्रा कस्बे में भी है। यह आश्रम करीब 4 एकड़ में फैला हुआ है। बताया जाता है कि साल के 3 महीने के लिए फलाहारी इसी आश्रम में जाया करता था और एक खास कमरे में रहता था और किसी से मिलता जुलता नहीं था। पीड़ित लड़की का परिवार भी इसी आश्रम के पास में रहता है। इनके परिवार की भी धीरे धीरे फलाहारी में आस्था जाग गई। इसके बाद में वो बाबा के नियमित संपर्क में रहने लगे। पीड़िता के पिता के मुताबिक उन्होंने ही बाबा के आश्रम को बनवाने में आर्थिक मदद तक की थी। उनका परिवार अक्सर अलवर में भी आश्रम में आया जाया करता था। फलाहारी का एक आश्रम मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भी है। अब बताते हैं उस केस की कहानी जिसकी वजह से फलाहारी की जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। जो पीड़िता है, जिसने रेप के कोशिश का केस लगाया है, वो लॉ की स्टूडेंट है। फलाहारी बाबा के कई सारे राजनीतिक पार्टियां और बड़े लोगों से संबंध थे। ऐसे में उसने दिल्ली के एक बड़े वकील के यहाँ पर पीड़िता को इंटर्नशिप दिलवाई। 3 महीने की इस इंटर्नशिप में पीड़िता को स्टाइपेंड भी मिला। पीड़िता के पिता ने कहा कि बाबा की वजह से ये सब हुआ है, तो ये स्टाइपेंड बाबा के आश्रम में जाके दान कर दो। पीड़िता 7 अगस्त 2017 को फलाहारी के आश्रम में अलवर पहुंची। फलाहारी ने पीड़िता को कहा कि रात को यहीं रुकना है, मैं तुम्हें गुरु ज्ञान दूंगा। पीड़िता ने बाबा की बात मान ली क्योंकि उनके अच्छे संबंध थे। रात को बाबा ने पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया और कमरे में बैठे दूसरे सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया। लड़की के मुताबिक बाबा ने अपनी जीप पर शहद से ओम लिखा और लड़की को कहा कि इसे चाटो, इससे सारी विद्या तुम्हारे शरीर में चली जाएगी। उसके बाद फिर लड़की से कहा कि वो इसे एक भाई देना चाहता है,
लेकिन उसकी माँ मतलब पीड़िता की माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए समय आने पर वो उसे एक बेटा देंगे जो बहुत तेजस्वी होगा, ये सब उन्होंने पीड़िता को बोला। इसके बाद पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटा दिया और लड़की रेप का शिकार होने से बच गई। अगले दिन पीड़िता अपने घर बिलासपुर चली गई। कई दिन तक सोचने के बाद 11 सितंबर को उसने बिलासपुर के महिला थाने में रेप की कोशिश का मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने की खबर मिलते ही फलाहारी ने बीमार होने का नाटक किया और जाकर अलवर के एक अस्पताल में भर्ती हो गया। अब बीमार तो था नहीं, नाटक कर रहा था, ऐसे में डॉक्टरों ने भी उसे एकदम स्वस्थ बताया, जिसके बाद पुलिस ने 23 सितंबर को उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बताते हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ। फलाहारी ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत बताया। फलाहारी ने दावा किया कि वो नामर्द है, इसलिए वह रेप कर ही नहीं सकता। इसके बाद उसका पोटेंसी टेस्ट करवाया गया। पोटेंसी टेस्ट का मतलब जिसमें मर्दानगी का परीक्षण भी कहा जाता है। उसका यह झूठ पकड़ा गया। पोटेंसी टेस्ट में पता चला कि वो नामर्द नहीं है। 15 दिसंबर 2017 को पुलिस ने 84 दिन के भीतर इस केस की चार्जशीट दायर कर दी। मार्च 2018 में पीड़िता के बयान हुए। 26 सितंबर को कोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी करते हुए फलाहारी को धारा 376 और 506 में दोषी करार दिया। इसके लिए उसको आजीवन कारावास और 1,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अब फलाहारी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास में एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो प्ले स्टोर से हमारे एंड्रॉयड ऐप दी ललन टॉप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।